दिन पहले जा रही हूँ मंदिर, सभी भगवान जी के नाम मैं मंदिर जाती हूँ और प्रसाद चढ़ा के आती हूँ अपने सभी देवी देवताओं, अपने जो अपने पितृ देवताओं, अपने माता रानी और जो भी चामन भैया सभी के नाम का मैं चढ़ा के आऊँगी जल। वहाँ से आने के बाद करूँगी मंदिर की सफाई और कपड़ा चेंज करूँगी चौकी वगैरह का, और साथ में फिर खाने की तैयारी कर दूँगी, भोग लगाऊँगी और सब्जी पूरी बनाऊँगी, खीर बनाऊँगी। तो जैसे भी ऐसे वहाँ की थोड़ी थोड़ी माता जो है ठीक हो रही हैं, तो नारियल भी लेकर आई हूँ मैं, नारियल भी उतार के रखूँगी उसके ऊपर से। और आज मैं बना लेती हूँ, तो थोड़ी सी घर की साफ़ सफाई भी की थी और थोड़ी सी वहाँ की तबीयत थोड़ी सी बेटर है पहले से, बाकी अभी भी थोड़ी सी परेशानी है ही उसको। तो बस मैं फटाफट से आज ही जो भी कुछ किया है आज ही किया है, उससे पहले मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो अभी मैंने ये एक सिंपल सा सूट वेयर किया है ताकि मैं मंदिर होकर आ जाती हूँ फटाफट से, उसके बाद आके मैं शाम को पहनूंगी साड़ी, वो भी साड़ी पहनूंगी पूजा करते वक्त। और हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस दिवाली ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये मेरा दिवाली ब्लॉग होने वाला थोड़ा सा लेट आया, उसके लिए रियली सॉरी, क्योंकि बस थोड़ा सा एडिटिंग में टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लग गई थी सभी अपने जो कान्हा जी का बेड है उसकी बेडशीट चेंज करने, और यहाँ पे सारा ये जो सिंहासन होता है इसकी भी मैंने शीट चेंज कर दी थी, और जो नीचे मैं लेके आई थी मैंने जो गद्दा है ना उसको भी चेंज कर दिया था, पुराना वाला गद्दा हटा के न्यू वाला रख दिया था यहाँ पे। और फिर ये जो मैं सीट डालती हूँ इस गद्दे के ऊपर वो भी मैंने चेंज कर दी है, और यहाँ पर कान्हा जी की चौकी को बिल्कुल रेडी कर दिया, कान्हा जी को बेड पर बिठा दिया है, अब उनकी चौकी तैयार करी है, अब नहला धुला कर न्यू पोशाक पहना के उनको बिठाऊंगी यहाँ पे चौकी पे। और मंदिर में भी मैंने सेम किया, माता रानी की चुन्नी बदल दी है, यहाँ पे मैं गणपति बापा की जो पहली वाली माला थी वो हटा दी है, नई माला लेकर आई हूँ तो भी गंगा जल से पहुँच के इसको पहना। कान्हा जी को नहला रही हूँ आज शहद से, और गंगा जल डाल दिया है साथ में लौंग चंदन से, और फिर जल्दी से नहला। तो यहाँ पर मैंने कान्हा के कानों के भी नए ले लिए, नए वाले पहना देती हूँ, और हाथों में भी पहना दिए न्यू न्यू, और भी बस रेडी होके कान्हा जी को दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं कान्हा जी की मैचिंग की बिंदी, तो आप देख सकते हैं कान्हा बिल्कुल न्यू पोशाक पहन के और एकदम से हो गए रेडी, और फाइनली लगा है उनके मुकुट, ये देखिए मेरे कृष्ण का नहीं। साथ में लगा देते हैं कान्हा जी के ये स्टोन, उनके हाथों पे लगा देती हूँ मैं अलग अलग कलर के, यहाँ पिंक। ये सारे कपड़े मैंने जितने भी थे कान्हा जी के पहुँचने के ओढ़ने के, ये सब कपड़े मैंने उठा के रख दिए धोने के लिए, और यहाँ पे मेरे सब कान्हा जी सब रेडी कर दिए अच्छी तरीके से। तो देख सकते हैं यहाँ पर सब अच्छी तरीके से लगा दिया है आसन बिछा के। दिवाली की मिठाई को खोलती हूँ, और सबसे पहले लगाते हैं अपने कान्हा जी का भोग। यहाँ पर जहाँ सिवान से लेटता था ना, तो मैंने इसकी थोड़ी सी बेडशीट को चेंज कर दिया, ये न्यू वाली बिछा दी है इस पर, और तकिया लगा दिए साथ के साथ इसके इसकी कॉम्बिनेशन की है वो देख सकते हैं। और ये जो मेरे कुशन कवर थे ना, तो ये भी मैंने चेंज कर दिए, ये वाले लगा दिए मैंने ताकि थोड़ा अच्छा फील हो। और यहाँ पर ये डाल दिया पायदान, वहाँ पर मैंने न्यू वाला लगा दिया किचन में, और ये वाला जो मैं लेके आई थी नया वेलकम के लिए यहाँ पर लगा दिया गेट पर। तो ये मैंने पूरा सुबह सुबह पूरा दरवाज़ा एकदम से क्लीन करके डस्टिंग पूरे साफ़ किया, फिर क्लीन किया गीले कपड़े से, और तब मैंने वहाँ पे लगा दिया, जो पुरानी थी वो हटा दी है। और यहाँ पे मैं बनाने लग रही हूँ खाना, तो देख सकते हैं मैंने ज़्यादा अब बिल्कुल भी गर्म नहीं किया ऑयल को, क्योंकि मैं छोंक नहीं सकती हूँ, आपको पता ही है घर में सिवांश की थोड़ा सा सब देखते हुए तो थोड़ा त्यौहार पर ऐसे ही हुआ था। बाहर का नज़ारा दिखा रही थी, बाहर से ट्रेन गुजर रही थी, मौसम भी आज लगभग ठीक ही था। यहाँ पर मैंने सारी साफ़ सफाइयाँ फूलों को धोने लग रही थी मैं, और साइड में मैं खाने बनाने की तैयारी कर रही थी। तो दिवाली की तो बहुत सारी तैयारियां होती हैं, साथ साथ में वो भी सब बीच बीच में कर रही थी। फूलों को धो के रख दिया था यहाँ पर, जो दिए थे उनको पानी में भिगो के रख दिया था मैंने कुछ घंटों के लिए, फिर उनको निकाल के यहाँ पर मैं रख के आऊँगी बालकनी में ताकि वो ड्राई हो जाएंगे, और सबको मैंने धो लिया था। तो ये फूलों को भी, और उसके बाद ना यहाँ पर मैंने अपना दुपट्टा बिछा के कॉटन का था, और इस पर एक एक सिंगल करके मैंने सारे ये यहाँ पर सुखा दिए थे ताकि ये ड्राई हो जाए अच्छे से। मैंने चकला और बेलन को सबको अच्छे से मांज धोकर पहुँच लिया है, और यहाँ पर मैं छोटी छोटी लोइयाँ बना रही हूँ, तो मैंने नीचे ही ठंडे तवे पर ही मुझे रोटी डालनी होती है तब मैं ऊपर रख दी हूँ।
और बहुत सारे ध्यान रखना पड़ता है। पूरी आज मैं बना नहीं सकती फ्रेंड्स, शिवांश के पता ही है आपको, तो अभी शिवांश ठीक नहीं हुआ है, तो मैंने बनाई है यहाँ पर आलू गोभी की सब्ज़ी और साथ में आलू गोभी की सब्ज़ी बना दी और आटा लगाया। यहाँ पर बन गई है मेरी खीर, तो फटाफट से मैं भोग लगाती हूँ खाना। आज मैंने छोटी छोटी रोटी बनाई है इस तरह से। सबसे पहले हम अपने मैंने गौ माता का लगा लिया भोग और अपने कान्हा जी के लिए मैंने भोग लगा दिया है। कान्हा जी के मंदिर में भी लगा दिया, गौ माता के भी, सभी अपने दही देवता पितृ देवताओं का भी लगा दिया है। और अब मैंने दिया है शिवांश को भी। मैंने शिवांश के ना कपड़े चेंज नहीं किए हैं, जब मैं चौकी लगाऊंगी ना तो मैं भी खाना खा लेती हूँ, क्योंकि सुबह से मैंने भी कुछ नहीं खाया। तो यहाँ पर चौकी लगा के ना माता रानी की और मालाएँ बना के, तो ये सब रेडी करने के बाद मैं शिवांश को रेडी करूँगी, फिर मैं रेडी होंगी। छोटी छोटी आगे करो, आगे करो, आगे शिवांश। मैं सर ढक के जाती हूँ, मतलब कहते हैं कि जो माता निकल गई है ना तो सर नहीं उड़ते, तो मैं ना इसलिए सर ढक के रखती हूँ हमेशा शिवांश के। मैंने बाल भी आज धोते, एक हफ्ते में धो के काट के मैंने दिए थे, वो भी ऑलमोस्ट एकदम ड्राई हो गए हैं, सूख गए हैं और धुल गए, जितना पानी सूखना होता है सूख लिए और ये अच्छे जल जाएंगे अब। तो ये भी मेरे दिए भी हो गए और जो फूल धो के रखे थे वो भी सूख गए। तो हम सब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने चौकी जो है नीचे चौकी लगा दी है, इस पर जो कपड़ा था वो डाल दिया है। और यहाँ पे थोड़ी सी मैं यहाँ पे अपने बैठाऊँगी लक्ष्मी गणेश जी को। यहाँ पे बना दी है मैंने माला, देखो ये छोटी छोटी प्यारी प्यारी सारी माला रेडी कर दी है इधर, ये एकदम सज के हो गई है तैयार। और बस अब मैं अपने जो है लक्ष्मी गणेश उनको गंगा जल के छींटे लगा के यहाँ पे रखूँगी और बस उनका फल फ्रूट उनकी थाली लगा देती हूँ, साथ में दिए की थाली बना लेती हूँ लक्ष्मी गणेश जी। तो यहाँ पे मैंने शिवांश के लिए एक मग का गुनगुना पानी कर लिया और इसको एक कपड़ा डाल के इसको बिल्कुल ड्राई करके इसको बस पोंछ के मैं इसको नए कपड़े पहना देती हूँ। बहुत नए नहीं है, इसका पुराना ही है, ये कॉटन का निकाला है। और पूरी बॉडी पर इसका लोशन लगाना है।